हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय जिग्स कार्ट में स्वागत है। आज हम बात करते हैं चित्रण करते समय ध्यान देने कुछ खास बातें। जब हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा चित्रण जो भी हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो वो कुछ अच्छा खास दिखे। तो हम लोग पढ़ते हैं चित्रण करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो यहाँ पे कुछ नंबर वाइज दिए हैं, तो आज हम उनको पढ़ते हैं। पहला दिया है, हमें सबसे पहले चित्रण में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुओं को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जब हम कुछ ड्राइंग बनाएं तो हमें सभी चीज़ों को जो उसमें लगता है, जो भी मटेरियल लगता है, तो उनको अच्छी तरह से हमें साफ कर लेना चाहिए। चित्रण से पूर्व हमें अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, अथवा कागज़ पर धब्बे इत्यादि पड़ सकते हैं। यानी कि हमें जब हम चित्र वगैरह बनाएं तो हमें अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, जिससे जो हमारी ड्राइंग शीट होती है जो उस वो गंदा ना दिखे। ड्राइंग बोर्ड पर हमें कागज़ को अच्छी तरह से स्थिर कर लेना चाहिए कि इधर उधर वो मूव ना करे और एक ही जगह पे वो स्थिर रहे। कागज़ को स्थिर करने के लिए हमें ड्राइंग पिनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइंग पिन है तो वो लगा सकते हैं, या साइड में टेप वगैरह लगा सकते हैं। हमें पेंसिल की नोक को बारीक बनाना चाहिए तथा पेंसिल को हल्के हाथों से कागज़ पर चलाना चाहिए, अन्यथा कागज़ फट सकता है। हमें पेंसिल को बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से शार्प कर लेना चाहिए और पेंसिल को बहुत ही हल्के हाथों से हमें चलाना चाहिए, जिससे जो हम ड्राइंग शीट होती है, जो पेपर होता है, वो फटे न। पेंसिल को यदि हम दबाकर चलाएंगे तो पेंसिल की नोक टूट जाती है और बार बार मिटाना पड़े तो आसानी से मिटता भी नहीं। जब हम जब डार्क पेंसिल चलाते हैं तो वो जल्दी जब उसको रेस करते हैं तो वो मिटता नहीं है, तो इसलिए हमें पेंसिल को बहुत हल्के हाथों से चलाना चाहिए। मिटाने के लिए हमें मुलायम एवं अच्छी किस्म की रबड़ का प्रयोग करना चाहिए, इससे कागज़ पर धब्बा नहीं पड़ता तथा चित्र भी साफ आते हैं। यदि रबड़ काली हो जाए तो उसे तुरंत साफ कर लेना चाहिए। हमें बहुत ही अच्छी जो भी क्वालिटी की रेज़र आते हैं, रबड़ आती हैं, तो उनको खरीद लेना चाहिए। और अगर वो जब हम रेज करते हैं किसी ड्राइंग चित्र को, तो फिर रबड़ को हमें साफ कर लेना चाहिए, जिससे उस पर दोबारा दाग वगैरह ना पड़े। चित्रण के लिए सदैव साथ में एक मुलायम सूती कपड़ा अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा पानी को तुरंत सोख लेता है तथा इसका प्रयोग रंग भरते समय अधिक किया जाता है। तो हमें एक कॉटन का पीस भी अपने साथ रखना चाहिए। रंग जैसे सभी आवश्यक सामान को जिस हाथ का प्रयोग आप चित्रण में करते हैं उसी हाथ की तरफ रखना चाहिए। आप जिस हाथ से लेफ्ट या राइट साइड हैंड से बनाते हैं तो उसी साइड में आपको अपना पूरा मटेरियल, रंग वगैरह, ब्रश है, कॉटन पीस है, जो भी चीज़ें हैं वो एक ही साइड में रखिए, जिससे आप आसानी से उसको बार बार उठा सकें। चित्रण के समय अपने हाथ के नीचे एक सोखता पेपर भी रखना चाहिए, इससे हाथ पर होने वाला पसीना सूखा रहता है और पेपर पर धब्बे नहीं लगते। जब भी आप कोई चित्र बनाएं तो अपने हाथ के नीचे एक पेपर शीट रख लीजिए, जिससे जब आप बनाएंगे तो उससे ये होगा कि जो भी चित्र होगा वो मिटेगा नहीं और साफ भी रहेगा। मैचिंग प्लेट में रंग के अच्छी तरह से घोल लेना चाहिए तथा प्रयोग करने से पूर्व किसी कागज़ पर इसकी जांच कर लेनी चाहिए। जब भी हम कलर का यूज़ करें तो सबसे पहले हमें कलर को देखना पड़ेगा, तो किसी पेपर शीट पे हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो कलर किस तरह का वो कलर आ रहा है, तब हमें ड्राइंग शीट पे जो हमें कलर जहाँ पे फिल करना है तब वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ब्रश का प्रयोग करने से पहले उसकी नोक बना लेनी चाहिए, साथ ही यदि ब्रश पर अतिरिक्त रंग लगा हुआ है तो उसे हटा लेना चाहिए। ऐसा करने से चित्र पर अच्छी तरह से रंग भरा जा सके। पानी के बर्तन को थोड़ा दूरी पर रखना चाहिए,
क्योंकि आप अगर पानी के जो भी कटोरी वगैरह रखते हैं तो वो पानी जो भी आप चित्र बना रहे हैं तो उस पर गिर सकता है, तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, उसको थोड़ा दूरी पर रखना चाहिए। चित्र में साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए, अतः रंगों से गंदा हो जाने पर पानी को बदल कर फिर साफ पानी कर लेना चाहिए। अगर आप बार बार वही पानी यूज़ कर रहे हैं जो जिसमें है जितना भी कलर हम उस पर ड्राइंग शीट पे लगाते हैं वो उसमें पानी में मिक्स हो जाता है, फिर वो कलर वो जो हमें लाना होता है कलर वो नहीं आ पाता है, फिर वो गंदा कलर हो जाता है जिससे हमारे चित्र की शाइनिंग चली जाती है। एक रंग के ब्रश को साफ धोकर ही दूसरे रंग में लगाना चाहिए, ऐसा ना करने से चित्र चमकदार नहीं लगता है। रंग से भरे या पानी से घुले ब्रश को झटकना नहीं चाहिए, अन्यथा चित्र अथवा कपड़ों पर धब्बे लगने का डर बना रहता है। तो हमें अपने ब्रश को पहले अच्छी तरीके से कॉटन के पीस में उसको पोंछ लेना चाहिए। अगर आप ऐसे छिड़केंगे तो उसकी जो छींटे होती हैं वो हमारे चित्र पर आ सकती हैं, तो इसका हमें भी खास ध्यान रखना चाहिए। साफ और मुलायम सूती कपड़े की छोटी तह बना कर पास में रखनी चाहिए, उसको आप तहा कर एक अपने पास में रख लें। ब्रश की नोक सूती कपड़े पर छुआने मात्र से ही अतिरिक्त रंग या पानी कपड़ा सोख लेता है और ब्रश में ऊंचे मात्रा का रंग रह जाता है, इससे रंग भरने में बड़ी सुविधा होती है। रंग भरने वाले क्षेत्र के अनुकूल ही ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, बड़े क्षेत्र के लिए बड़े नंबर के ब्रश और छोटे क्षेत्र के लिए छोटे ब्रश का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें आउटलाइन वगैरह बनानी है तो हमें बड़े ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें 0000 के जो ब्रश आते हैं जो महीन होते हैं उनका ही यूज़ करना चाहिए, और जो हमारी बड़ी एरिया होती है तो उसके लिए हमें बड़े नंबर का ब्रश लेना चाहिए, जैसे कि 7, 8, 10 नंबर के ब्रश आते हैं तो उनका यूज़ करना चाहिए। चित्र के अकॉर्डिंग हमें ब्रश का यूज़ करना चाहिए। आकाश में रंग भरने के लिए आकाश वाले क्षेत्र को पानी से गीला कर लेने के बाद रंगों को भरने पर उनका मिश्रण अच्छा और प्रभावी होता है। अगर हमें आकाश स्काई वगैरह बनाना होता है तो सबसे पहले हमें उसको पानी से थोड़ा भिगो लेंगे, पानी से उसको डिप कर देंगे डिप, और फिर उस पर हल्का सा लाइट कलर लगाएंगे और उसको अपने पानी वाले ब्रश से उसको फैला देंगे, तो जिससे हमारा इस जो स्काई लगता है उसी तरीके का उसमें प्रभाव छलकेगा। मानव आकृतियों को सबसे बाद में तथा चटक रंगों से बनाना चाहिए, जो हम उसमें जो हमारा मैन चित्र होता है तो उनको बाद में हमें बनाना चाहिए, पहले हमें जो बैकग्राउंड वगैरह होता है वो कर लेना चाहिए। वैसे तो जैसे आप बना रहे हैं मगर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो हल्का लाइट रहता है, जो हमारा मैन जो होता है चित्रण, मानव चित्रण हो या कुछ कोई भी चित्र हो तो उसे हमें थोड़ा हाईलाइट दिखाना होता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। जल रंग यानी कि वाटर कलर जितने हल्के प्रयुक्त होंगे उतने ही मोहक लगते हैं, हमें ज़्यादा उस जो डार्क होता है उसका यूज़ करने से हमें बचना चाहिए, जल रंगों को हल्का करके प्रयोग करना चाहिए। चित्र की बाहरी रेखा भी सुंदर बनाने से चित्र का प्रभाव बढ़ता है, अतः इससे भी अच्छी तरह खींचना चाहिए। तो आज हम लोगों ने कुछ खास चीज़ों पे बात की है, हमें जब भी कोई पेंटिंग चित्र कोई भी हमें चीज़ बनानी होती है ड्राइंग में तो हमें उससे पहले हमें चीज़ों का जो उसमें यूज़ हो रही हैं मटेरियल वगैरह तो उसका ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथों की सफाई रखनी चाहिए, और जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो चित्र है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत उसमें शाइनिंग आ सकती है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।